हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का मुकुट बनाना सीखेंगे। ये मुकुट मैंने अपनी जुगल जोड़ी के लिए जो ड्रेस बनाई थी उसमें कान्हा जी की ड्रेस के मैचिंग का मुकुट बनाया। इस मुकुट को मैंने जिस तरह हमने अपनी ड्रेस को डेकोरेट किया था उसी तरह मैंने इस मुकुट को डेकोरेट किया है। पीछे की तरफ इसे बांधने के लिए मैंने कोई भी डोरी यूज़ की है, ये मैंने इसमें मोली लगाई है। आप कोई भी डोरी या वेलग्रो भी लगा सकते हैं। इसे बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मुकुट बनाने के लिए सबसे पहले हम पेपर का एक चौकोर पीस लेते हैं। इस पीस को हम फोल्ड कर लेते हैं। इस पीस को मैं 4 इंच लंबाई में लेती हूँ। छः सेमी, तो ये मैं 3.5 सेमी इधर लंबाई में, ऊंचाई में इसे 4 सेमी पे लेती हूँ। इस तरह से मैं निशान लगा लेती हूँ। आगे की तरफ हम हल्की सी राउंड में कटिंग कर देते हैं, तिरछी कटिंग कर देते हैं। सेंटर से ये हमारी लगभग 1 सेमी की, लगभग 1 सेमी के करीब हम ये सीधी पट्टी रखते हैं। जो बीच वाला हिस्सा है उसमें लगभग 1 सेमी के ऊपर निशान लगाती हूँ और मैं एक पत्ती की शेप बना लेती हूँ। यहाँ से मैं एक छोटा सा जैसे राउंड बना लेती हूँ, इसे हम कट कर लेते हैं। इस तरह हमारी मुकुट की डिज़ाइन कट जाती है। अगर हमको ये ऐसा चौड़ा लगता है तो इसे हम थोड़ा सा और सकड़ा कर लेते हैं। ये अपने गोपाल जी के सर से भी हम नाप लेते हैं और अभी हमारे मुकुट की डिज़ाइन तैयार हो गई है। इस डिज़ाइन को हम टैटून पे काट लेते हैं और तो अपनी ड्रेस के अंदर जिस कलर का कपड़ा है उसी कपड़े को हम टैटून पे पेस्ट करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह मैंने टैटून पे पीस काट के से अपना कपड़ा पेस्ट कर लिया है। इसमें चारों तरफ से सिल्क के कपड़े में धागे निकलते रहते हैं, इसलिए चारों तरफ से इसे हम सिक्योर कर लेते हैं। अब अपने मुकुट को हम डेकोरेट करते हैं। इसके लिए मैंने बारीक वाले स्टोन चैन लिए है जिसकी एक रो में नीचे की तरफ लगाती हूँ। इसके लिए मैं फेविकोल का यूज़ करती हूँ। स्टोन चैन लगाने के बाद हम छोटे साइज के पर्ल की एक रो है अब ये लगा देते हैं। वापस एक स्टोन चेन यहाँ पे हम पत्ते की शेप में स्टोन चेन की पर्ल की और एक स्टोन चेन की रो
उसके सेंटर में एक ब्लू उसके दोनों किनारों पे एक स्टोन लगा के हम बॉल चैन लगा लेते हैं। सॉरी पर लगा दो। जिस तरह हमने अपने ड्रेस में लगाए थे पर्ल के बाद ये एक एक बॉल चैन दो रो बॉल चैन की तरह से दो रो बॉल चैन की लगा लिए। अब इसके बाद मैं इस तरह के टीयर शेप के वाइट स्टोन लगाती हैं। ड्रेस में हमने सिर्फ ये वाइट कलर के स्टोन लगाए थे, इसमें बीच में मैं एक एक ब्लू कलर का स्टोन और लगाती हूँ। तो मैं इस तरह से यहाँ पर 3 स्टोन लगाऊँगी। अब इससे हमारा मुकुट कंप्लीट हो जाता है। अब इसे हम ड्राई हो जाने देते हैं। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट लेते हैं। ये चीज में कोने का कपड़ा है नहीं, हम काट लेते हैं। इस तरह हमारे मुकुट कंप्लीट हो जाता है। हम टैटून की पतली सी पट्टी ओढ़ लेते हैं और इसके पीछे की तरफ हम रमोली लेते हैं, ये लगा के इसके ऊपर टैटून की पट्टी फेविकोल से चिपका देते हैं। इस तरह यहाँ पे हम चाहे वेलक्रो भी लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये डोरी का यूज़ किया है, मोली डोरी कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरह हमारा मुकुट बन के तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।